फोटोशॉप के अंदर इस तरह का राउंड शेप कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल टूल के साथ नीचे देखिएगा कस्टम शेप टूल है, इस पर क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन बार में कस्टम शेप टूल का ऑप्शन बार में शेप का जो बटन दिया हुआ है डाउन बटन पे क्लिक करना है और ये पतला वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, शेप सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने पेज पे इस तरह से एक सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको मेनू बार में जाना है, लेयर में जाना है, उसके बाद रेस्टराइज में जाना है, फिर शेप पे क्लिक करना है। हो जाने के बाद ये जो लेयर है इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी आपको बनाना है। इसे ड्रैग करके नीचे न्यू लेयर का बटन है वहाँ ला के रख देने से एक कॉपी इसका बन जाता है। उसके बाद ये जो मूव टूल है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिट में जाना है, फिर यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे है फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। फिर कॉर्नर में देखिएगा स्केलिंग का बटन है, उसको उसके वहाँ पे माउस पॉइंटर रखिएगा और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ऑल्ट की और शिफ्ट के साथ इस तरह से अंदर की तरफ एक बार ड्रैग करना है। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की दबाना है, इंटर की भूलिएगा नहीं, इंटर की आपको एक बार दबा देना है। हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर टी प्रेस करना है। ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर टी प्रेस करते जाइएगा तो इस तरह का शेप देखिए बन के तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं।